पॉडकास्ट सब्सक्राइब कर लें, और दूसरी बात आपको लीक पेपर जो है वो 1 से 1.5 घंटा पहले भी आपको मिल सकते हैं, जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन आप लोग, या उससे पहले भी आप लोग, ये स्क्रीन पर मेरा नंबर शो कर रहा है, आप लोग मुझ पर व्हाट्सएप कर लें, और तो आपको जो पेपर है वो आपको इंशाल्लाह 1 घंटा पहले, 2 बजे पेपर स्टार्ट होता है तो 1 बजे आपको पेपर जो है वो मिल जाएगा। मज़ीद भी अपनी तैयारी जारी रखें आप लोग, और इसमें हम 5 यूनिट करेंगे। सबसे पहले ये लाजमी करना है, पहला कि डेवलपमेंट और जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आपने लाजमी करना है, और ये सबसे आसान है। ये इंसानी जिस्म के अंदर जो तब्दीलियाँ होती हैं बच्चों के अंदर जो हैं उन्हीं के बारे में बात की जा रही होती है। और दूसरा सवाल जो है प्रिंसिपल ऑफ डिवेलपमेंट, इसको रहने दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इश्यूज कंट्रोवर्सीज एंड चाइल्ड डिवेलपमेंट, इसको कर लीजिए। ये पहला और तीसरा सवाल जो है यही कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी है। और फैक्टर इन्फ्लुएंस चाइल्ड डिवेलपमेंट को भी रहने दीजिए, ठीक है। यूनिट नंबर 2 देखें, फिज़िकल डिवेलपमेंट क्या होती है, इसको आपने कर लेना है, और ABC इसमें आ जाते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पेरेंटल डिवेलपमेंट, इसको भी आपने कर लेना है, और फिज़िकल डिवेलपमेंट इन चाइल्ड इसको छोड़ दीजिए। और नेक्स्ट इसे खाली रीड कर देना है, फिज़िकल करेक्टर स्टेटस ऑफ लर्निंग, इसको लाजमी करना है। ये 3 सवाल हैं इसके, और इसके बाद एक्टिविटी इन स्कूल को छोड़ दीजिए। और यूनिट नंबर 5 में आ गए हम, यूनिट नंबर 1, 2 और फिर हम 5, 6 करेंगे, और फिर यूनिट नंबर 9 करेंगे, ठीक है। हाँ जी, यूनिट नंबर 5 देखें, जज्बाती नशोनुमा। सबसे पहले इसमें इमोशनल ये करना है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल इमर्जमेंट, इसको भी कर लीजिए। और छोटे छोटे सवाल अगर बड़े नहीं है, फैक्टर इफेक्टिंग इमोशनल डिवेलपमेंट, ये भी सेम वही वाली है। अब इसमें ये लाजमी करना है एरिक एरिक्सन, इन बस यही एरिक एरिक्सन कर लें तो काफ़ी है। उसके बाद इमोशनल करेक्टर प्री स्कूल को भी छोड़ दीजिए, और उसके बाद किंडरगार्टन को भी छोड़ दीजिए। मतलब एक बार रीड कर लेंगे ना, उसके बाद चाहे याद ना भी करें तो ये बहुत आसान सा, इतना मुश्किल नहीं है। और इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन भी छोड़ दीजिए, बस वही एरिक एरिक्सन वाला जो है ना वो हमेशा लाजमी कर देते हैं। और उसके बाद यूनिट नंबर 6 जो है इखलाकी नशोनुमा, मॉरल डेवलपमेंट क्या है, ये आप लोगों ने कर लेना है। और उसके बाद ESC, ये लाजमी करना है ESC वाला, ठीक है जी। नंबर 3rd क्वेश्चन जो है इसमें देखते हैं कौन सा है जी, हाँ जी, मॉरल करेक्टर स्टेटस लर्निंग, ये भी 3rd सवाल भी करना है। बस इन्हीं 3ों में से इंशाल्लाह 1 सवाल जो है वो आ जाएगा। उसके बाद यूनिट नंबर 9, टोटल ये 80 पेज की बुक है, और उसमें मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें स्कैन किए हुए हैं। अगर किसी को ये बुक चाहिए तो ये बुक भी मिल जाएगी। मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये आपने करना है। और नेक्स्ट जो आप इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो है डिफरेंसेस इन रीडनेस लर्निंग, ये उसी में आ जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। यूनिट नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 2 केसेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इनकी वजूहात क्या होती हैं, ठीक है जी। नंबर 3 इसमें जो सवाल है जनरल प्रोविजन ऑफ इंडिविजुअल, इसको छोड़ दीजिए। और नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट वेंटी का प्लान, ये वेंटी का प्लान जो है ना इसको कर लीजिएगा, डाल्टन प्लान, वेंटी का प्लान। और नेक्स्ट इसमें कोई चीज़ नहीं है करने वाले, बस यही पहले 2 सवाल जो हैं ये कर लीजिए, काफ़ी हैं, ठीक है। रीड सारे को कर लीजिएगा, याद पहले जो, और ये भी कर लीजिएगा कंप्यूटर मामिन आजमाइश की वजाहत, इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है जी। उम्मीद है लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।